YouTube चैनल दोस्तों, मेरे YouTube चैनल किचन विद हल्का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। संख बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा ले लिया है मैंने और थोड़ी सी अजवाइन लिया है। अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है, ऐसे हाथ से रगड़ के डालेंगे ताकि इसमें अजवाइन का टेस्ट अच्छा आए। और नमक डाल देंगे स्वादानुसार, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि इसमें नमकीन सा स्वाद आ जाए। और अब इसमें हम मोयन देंगे। मोयन हम घी का दे रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिलाते जाना है। मोयन को हम मैदा में अच्छे से मिलाएंगे और ऐसा लड्डू बनाकर देखेंगे। ऐसा बनने लगे तब समझ जाइए कि इसमें मोयन परफेक्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है, नहीं तो इसमें बस घी का ही स्वाद आएगा और फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मैदा हमें गुनगुने पानी से गूंथ करके तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको टाइट गूंथ करके तैयार करेंगे। मैदा तैयार है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं। और हमने ले लिया है सूप, इसको हम साफ़ कपड़े से पोंछ लेते हैं, कपड़ा थोड़ा सा गीला करके, ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। और मैदा भी सॉफ्ट हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और छोटी छोटी लोइयों को लंबा करेंगे, फिर इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इसको हाथ से गोल शेप देंगे और इसको सूप में ही रखेंगे ताकि हमें बार बार थाली से लेना ना पड़े और इसी में ये अच्छे से बन जाए। और इसको हाथ से दबाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे तो ये ऐसे राउंड शेप में हो जाएगा और इसमें सूप की जो डिज़ाइन है वो बन जाएगी और ये शंख के आकार का हो जाएगा। तो ये बन करके रेडी हो जाएगा और ऐसे ही हमें फटाफट से कर लेना है। सारे शंख बन करके तैयार हैं और इसे अब हम करेंगे डीप फ्राई। कढ़ाई में तेल हमने गरम कर लिया है। तेल ना बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही कम, मीडियम गरम होना चाहिए। और इसमें सारे शंख को हम डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे डीप फ्राई करेंगे। सारे शंख हमने डाल दिया है और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये एक बराबर पके। और इस तरीके से हम बीच बीच में चलाकर चेक करते रहेंगे कि ये अच्छे से चारों तरफ बराबर से हो रहे हैं या नहीं। ये सुनहरे हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं और ये बन करके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे हम बना कर रख लें तो एक हफ्ते तक इसे यूज भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा नमकीन सा स्नैक्स हमारा बन करके तैयार है। यह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसकी डिज़ाइन और इसका टेस्ट बहुत अच्छा उनको लगता है। इसे चाय के साथ खाएं या ऐसे ही, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये मैंने खाया था जब मैं 9th क्लास में थी और मेरी फ्रेंड इसको लेकर के आई थी। उसने मुझे कहा कि शंख खाओगी, मैंने कहा पागल हो क्या, शंख भी खाई जाती है क्या। मैंने सोचा कि वो वही शंख की बात कर रही है जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए शंख जो बजाई जाती है। तो जब उसने मुझे ये दिखाया तो मैंने कहा ये शंख है, तो उसने कहा हाँ। जब मैंने खाया तो इसमें मठरी जैसा कुछ स्वाद रहता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तब से मैं इसे बनाती हूँ और सूप में बनाना इसे मज़ेदार भी लगता है। फटाफट से इसमें डिजाइन बनती जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें बनाना भी। तो दोस्तों, आप इस तरीके से इसे बना करके आप भी इसका स्वाद ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।